हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ, यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 39वीं गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी के अंडर रिक्रूटमेंट आई है 2023 के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म अप्लाई कब होगा, लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, मतलब सारा प्रोसेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सहित आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सी, एज आई टोल्ड यू, 39th गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट आई है 2023 के लिए, जिसका कि अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्टेड है और इसका फॉर्म है आपको ऑफलाइन। तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने तो भेज भी दिया होगा अपना फॉर्म भर के डाक के थ्रू, और लास्ट डेट है 26 अक्टूबर 2023। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दो। रही बात की स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट, तो ऑर्डिनरी पोस्ट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा रहेगा स्पीड पोस्ट, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपका चला जाएगा फॉर्म। तो ये रही बात कि आपका एज का लिमिट क्या इसके लिए रखा गया है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर्स का, SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी एंड सैलरी हम लोग देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया और सैलरी क्या मिलेगा। सबसे पहला पोस्ट है कुक के लिए, 10th पास आउट एलिजिबिलिटी है। सफाई वाला के लिए भी 10th पास आउट, दफ्तरी के लिए भी 10th पास आउट, मैसेंजर, मतलब ओवरऑल इन चारों पोस्ट के लिए 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके लिए लेवल 1 की आपको सैलरी मिलती है 18,000 रुपीज टू 56,900 रुपीज। सेकेंड पोस्ट है आपका LDC, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th पास आउट। लेवल 2 की इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 19,900 रुपीज टू 63,200 रुपीज। थर्ड जो आपका ये रहा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, स्टेनोग्रेड 2 की वैकेंसी है, 12th पास आउट अप्लाई करेंगे। लेवल 4 की सैलरी है 25,500 रुपीज टू 81,100 रुपीज। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 2 स्टेजेस। पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, सेकेंड में आपका प्रैक्टिकल या फिर ट्रेड वाइज जो भी आप पोस्ट में से इन सारे में से अप्लाई करोगे, फिजिकल या फिर स्किल टेस्ट, इन चारों में से कोई एक होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो रिटन पेपर होगा उसका क्या सिलेबस होगा। वैसे नोटिफिकेशन में ज्यादा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया, पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25। बट आपको स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि आपको पता है स्टेनोग्राफर के लिए मैथ्स नहीं पूछा जाता, वैसा ही होगा। और उसके बाद आप एग्जाम की लेवल समझ लेते हैं। LDC और स्टेनोग्राफर के लिए 12th मतलब पास आउट अप्लाई करेंगे तो 12th लेवल होगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है। अदर्स के लिए 10th लेवल का है तो आपको इजी रहेगा, पैटर्न 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसान रहेगा। बट तैयारी आपको उसी ढंग से करनी है, आसान कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आपका इंतजार कर रहे होते, तो आप अपना 100% दो ताकि आप अपनी एक सीट अचीव कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले चाहिए होगा आपका रीसेंट कलर फोटो 4, 10th एंड 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आपका आवासीय भी चाहिए होगा, आधार, पैन या फिर वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से कोई एक आपका जो होता है ना नेशनैलिटी की पहचान के लिए, कि आपका जो एड्रेस वगैरह उसके प्रूफ के लिए। उसके बाद चाहिए होगा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट और 25 रुपये का डाक टिकट आपको लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको पोस्ट के मीडियम से भेजना है ये सब डॉक्यूमेंट्स ये करके, तो आप फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो मैं हूँ ना फ्रेंड्स, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन वाला,
मैं आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा के फॉर्म अप्लाई करके उसमें सारा कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भी मैं दे दूंगी, आपको किस नाम से भेजना है, कहाँ जाएगा, वो सब उसमें बताया गया है। तो आप जाके ना मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाओ फॉलो करो, फॉर्म अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी करना, क्योंकि फिर 26 अक्टूबर के बाद आपका फॉर्म वहां पर पहुंचा तो वैलिड नहीं हो पाएगा। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। समझने में कोई सी भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।